आज ही के दिन 1883 में महान क्रांतिकारी और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। 1940 में सावरकर ने पुणे में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। भारतीय स्वातंत्र युद्ध, मेरा आजीवन कारावास, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1959 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दो बंदरों को एक मिसाइल के जरिए 300 मील ऊपर तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। ये बंदर करीब 9 मिनट तक गुरुत्वाकर्षण से मुक्त अंतरिक्ष में रहे थे। इस पूरी यात्रा के दौरान वैज्ञानिकों ने बंदरों के शरीर में आने वाले हर बदलाव पर पैनी नजर रखी थी। 1967 में आज ही के दिन ब्रितानी नाविक सर फ्रांसिस चिटचेस्टर अपनी नाव से अकेले दुनिया का चक्कर लगाने के बाद घर लौटे थे। इस पूरी यात्रा के दौरान इस नाविक ने रास्ते में केवल सिडनी के बंदरगाह पर अपनी नाव रोकी थी। चिटचेस्टर ने करीब 220 दिन की अपनी यात्रा में लगभग 28,500 मील की दूरी तय की थी। 1998 में आज के दिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। परीक्षणों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने संबोधन में कहा, हम कभी परमाणु बम की दौड़ में नहीं आना चाहते थे, लेकिन सप्ताह पहले भारत ने भी इसी तरह के परमाणु परीक्षण किए थे। साथ ही नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज ही के दिन 2005 में मशहूर व्यंगकार पंडित गोपाल प्रसाद व्यास का निधन हुआ था। गोपाल प्रसाद हिंदी में व्यंग विनोद की नई धारा के जनक माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य संदेश, दैनिक हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका आदि का संपादन भी किया था। और 2008 में आज ही के दिन नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही का अंत हुआ था। करीब 10 वर्ष तक चले गृह युद्ध के बाद देश में शाह राजवंश के हाथों से देश की सत्ता छूट गई। इसके बाद से माओवादी हथियार छोड़ देश की राजनीति में उतर आए। 28 मई 2008 को ही नेपाल के वामपंथी दल को चुनाव में जीत मिली थी।